हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित सर एक बार फिर से पार्थ एजुकेशन परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूजीसी अपने जाल में खुद भी फंस गया है, एनटीए अपने जाल में खुद भी फंस गया है। मैं पिछले कुछ दिनों से 10 दिनों से स्वास्थ्य कारणों से आपसे दूर रहा, लेकिन फिर से कल से मैंने यूजीसी और एनटीए के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। और मैंने अपने वकील साहब से मुलाकात की, लोगों से मुलाकात की, बच्चों से मुलाकात की। और फिर से देखिए, एक यूजीसी एक एनटीए के मेल ने उन्हें फिर से फंसा दिया है। दोस्तों, एक कैंडिडेट था जो कुछ नंबरों से नेट एग्जाम क्वालिफाई करने से रुक गया। उसने यूजीसी को एनटीए को मेल किया, मेल के जवाब में एनटीए का ये रिप्लाई आया है। उस बच्चे ने मुझे ये मेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया। देखिए, मैं इस मेल को आपके साथ पढ़ के सुना रहा हूं और आप खुद डिसाइड करना कि यूजीसी और एनटीए दोनों फंस जाएंगे कि नहीं। क्या लिखा है? एज पर द यूजीसी पॉलिसी 6% ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु अपियर इन बोथ द पेपर्स एंड ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ बोथ द पेपर्स आर डिक्लेयर नेट क्वालिफाइड, हेंस द कैलकुलेशन फॉर द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन द साइकिल ऑफ यूजीसी नेट हैज बीन डन एट 6% ऑफ दोज that of the total number of appear candidate in both papers in all subject। देखिए, इस मेल का ये जो रिप्लाई आया है, इसमें साफ साफ यूजीसी कह रहा है, एनटीए कह रहा है कि 6% कैंडिडेट हर सब्जेक्ट में पास कराए गए हैं, जबकि हर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं हुआ है। और ये यूजीसी का और एनटीए का रिप्लाई है बच्चे को। अब मैं इस बच्चे को लेकर के और कई बच्चे को लेकर के कोर्ट जा रहा हूं, कोर्ट में इस मुद्दे को भी रखूंगा। साथ ही साथ इस सुबह की मीटिंग में उतने ही नंबर पर क्वालिफाई नहीं हुआ, शाम की मीटिंग में उतने ही नंबर पर क्वालिफाई हुआ बच्चा, इस बात को भी मैं एनटीए के साथ रखने जा रहा हूं। दोस्तों, तीसरा मुद्दा जो कल मैंने वकील साहब से मिला, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से मैं 10 दिनों से आपसे दूर था और इसकी वजह से मैंने कोई भी कंडीशन नहीं अप्लाई की, कुछ भी नहीं हो पाया, लेकिन मैं कल वकील साहब से मिला तो वकील साहब ने कहा केस को और मजबूत करना है तो आप ऐसे कैंडिडेट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिक्षेत्र में परीक्षा दिए हो, मतलब जहां तक इलाहाबाद ज्यूडिशरी का एरिया लगता है उसके परिक्षेत्र में परीक्षा दिए हो, जो अप्लाई कर सके इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनको खोजिए। दूसरा, जो छात्र मिनिमम टू मिनिमम नंबरों से नेट की परीक्षा में रुके हो, जेआरएफ वालों के भी लड़ाई लड़ूंगा, 2% की लड़ाई भी हमारी होगी, लेकिन एक एक मुद्दे पर, उन्होंने कहा अगर एक एक मुद्दे पर हम अपनी बात रखेंगे तो जीत हमारी होगी। तो अभी उन बच्चों के साथ हम जुड़ रहे हैं जो बच्चे नेट कुछ नंबरों से रुके हैं। साथ ही साथ नीचे इसमें हम पॉइंट जो मर्ज किया गया है जेआरएफ का स्लॉट, उसके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तीसरी चीज, उन बच्चों की डिटेल, उनका एडमिट कार्ड, उनका रिजल्ट, उनका आधार कार्ड लेकर के हम अपने वकील साहब को दे रहे हैं, जिससे बच्चों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़े, बच्चों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो दोस्तों, इन सब बातों को लेकर के मैं फिर से सक्रिय हो गया हूं कि वी वांट जस्टिस फॉर 12%, हमें 6% रिजल्ट नहीं चाहिए। ये साफ साफ इन्होंने लिखा है, लिखने के बाद इन्होंने कह दिया है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर होंगे, तो जब 2 का है तो 2 का 6%, जी हाँ, 2 का 6%, 2 एग्जाम का 6-6% के हिसाब से हम 12% रिजल्ट चाहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से यूजीसी और एनटीए फिर अपने जाल में फंस गया है। और हम ये बात सिर्फ एनटीए तक नहीं रखने जा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कुछ लोग कह रहे हैं, मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि एनटीए ने हमें रिप्लाई किया है कि हम जाके यूजीसी में रखेंगे। तो दोस्तों, हम सिर्फ एनटीए में अपनी बात नहीं रख रहे हैं, एनटीए के साथ साथ यूजीसी, यूजीसी के साथ साथ एमएचआरडी, तीनों जगह हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं। फिर सुन लीजिए, तीनों जगह हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं, तो तीनों जगह हमारे मुद्दों के रखने की बात हो रही है। साथ ही साथ कोर्ट जो न्याय प्रक्रियाएं हैं, उस न्यायिक प्रक्रियाओं के चल पर हम काम करेंगे। मुझे किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, जो छात्र स्वतः अपना मीडिया यूज कर सकते हैं, मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, मुझे अपना मनोबल दे सकते हैं, केवल उसकी नीड है। मनोबल के साथ आप जुड़े रहिए और निश्चित तौर से सफलता हमें मिलेगी। और केवल मैं फिर बता दूं, 12% से नीचे पे हम इसमें समायोजित नहीं होंगे, 12% से नीचे कोई बात नहीं होगी। थैंक यू, धन्यवाद वेरी मच। और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए और फिर से एकजुट हो जाइए। आपको इस होली के बाद अगली होली तक
जेआरएफ के पैसे का 25 लाख रुपए का स्लॉट मिलेगा ना उस जेआरएफ के पैसे के, और उस 25 लाख के पैसे से हम होली, दीपावली और दूसरे त्यौहार और अच्छे से मनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सबके पास पहुंचाइएगा। थैंक यू वेरी मच।